मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें कोई चुनावी भाषण नहीं है और ना ही कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात, क्योंकि आपका मन तो उसी में लगता है, उसमें मज़ा आता है सुनने में। लेकिन आज मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप खुद को भारतीय लोकतंत्र का नागरिक समझते हैं और आप जानते हैं कि आप इंसान हैं, जागृत इंसान हैं, तो जवाब दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो ये बता दीजिए कि जवाब कौन देगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि ये 69,000 वैकेंसी के जो भी अभ्यर्थी हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं या पाकिस्तान से भाग कर आए हुए कोई आतंकी या बांग्लादेश का कोई घुसपैठी है? ये कौन है ये लोग? अगर ये भारतीय हैं तो उन्हें इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? 2 साल पुरानी वैकेंसी है ये। इसके पहले आप जानते हैं ये अभ्यर्थी कितने ज़्यादा पढ़ाई करके और कितना समय गंवा करके, कितना पैसा गंवा करके यहाँ तक पहुँचे हैं? ये सरकारें सब कुछ अपने लाभ के अनुसार क्यों करती हैं? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कसूर है इन लोगों का, क्या कसूर है इनका जो इन्हें इतनी अनिश्चितताओं से गुजरना पड़ रहा है? ये जो मानसिक प्रताड़ना विद्यार्थी झेल रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई तो है जो ये सारे खेलों का रचयिता है। कौन है वो? जनवरी 2019 की प्रथम सप्ताह में हुई थी ये परीक्षा और अभी तक इसका कोई आगा पीछा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक सारे अभ्यर्थी ये सोचने में परेशान हैं कि क्या होगा। रिजल्ट तो आ गया, फिर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कुछ दिन सरकार ने झलाया, कुछ दिन विद्यार्थियों ने। विद्यार्थियों की कोई खास गलती इसमें नज़र नहीं आती है, जो भी गलतियां हैं वो आगे पीछे की सरकारों की हैं। एक बड़ी समस्या है गलत प्रश्नों का पूछा जाना, या फिर एक ही प्रश्न के कई जवाब होना और इस तरह के विवादित प्रश्नों को प्रश्न पत्र में शामिल करना। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से, किसी एक सरकार की बात नहीं है ये जितने आते हैं सबका वही हाल है। ये एक सिस्टम बन चुका है कि इस तरह से काम करना है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि 25 करोड़ के प्रदेश में क्या 2-4 एक्सपर्ट ऐसे नहीं हैं जो 150 प्रश्न सही सही बना सकें? मुझे तो नहीं लगता, विद्वानों की कमी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है और कुछ प्रश्न नहीं बनाए जा सकते? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और विद्वान हमारे देश में पैदा होते हैं, 150 प्रश्न नहीं बना सकते जिसमें कोई गलती ना हो? क्या आपको इसमें कोई गेम नज़र नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जानबूझकर सरकारें गलत प्रश्नों को प्रश्न पत्र में शामिल करती हैं ताकि बाद में वैकेंसी को फंसाया जा सके, लटकाया जा सके और चुनावी माहौल के अनुसार उसका यूज़ किया जा सके? अगर ऐसा है तो ये पूछेगा कौन और जवाब कौन देगा? हमारे देश में कहने को तो लोकतंत्र है, कहने को, जी हाँ, मैं ताल ठोंक के कहता हूँ कि कहने को लोकतंत्र है, असल में ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो जिस देश में वोटिंग करने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिल जाता है, रोजगार का अधिकार किस उम्र में मिलेगा, ये कौन बताएगा? ये जो इलाहाबाद, दिल्ली, पटना और लखनऊ में विद्यार्थी अपनी जवानियाँ कुर्बान कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये मूर्ख हैं या फिर किसी करोड़पति बाप के बेटे हैं? अगर करोड़पति होते तो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती, वो कहीं बड़ा बिजनेस करके बैठ जाते। और किसी बड़े नेता के बेटे होते तो करोड़ों का लोन लेके निकल लेते। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, न वो करोड़पति की औलाद हैं और न ही उनके बाप कोई नेता है। इंसान की जो असल उम्र मानी जाती है, जिस उम्र में वो कुछ बड़ा कर पाता है, वो उम्र तो सरकारें विभिन्न भर्तियां दिखाकर और लालच देकर ख़त्म करा देती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको सरकारी नौकरी दे दीजिए, ये संभव ही नहीं है। दुनिया की कोई सरकार अपने हर नागरिक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर 1 करोड़ में 10 लोगों को भी नौकरी देनी है तो आप उसे समय से क्यों नहीं दे देते? किसी वैकेंसी को सालों तक लटकाए रखना ये एक सरकारों की आदत बन चुकी है। एक ही वैकेंसी को दिखाकर कई बार चुनाव लड़ लेना, चुनाव जीत लेना। लोकसभा चुनाव 2019 की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि 11 अप्रैल से 19 मई मतलब 40 दिनों के भीतर इतने बड़े देश में चुनाव करा लिया जाता है। वोटरों की संख्या थी इसमें 90 करोड़ लगभग, और पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, मतलब वोट डालने के लिए जो स्टेशन बनाए गए थे उनकी संख्या थी 10 लाख। सोचिए, 4 महीनों के भीतर 10 लाख पोलिंग स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है, 90 करोड़ वोटरों की व्यवस्था की जाती है, 99.3% लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, और बड़ी बात यह है कि 19 मई के आखिरी पोल के बाद 23 तारीख को महज एक दिन में 90 करोड़ वोटरों की गिनती कर ली जाती है।
मतलब एक दिन में इतना बड़ा डाटा कंट्रोल कर लिया जाता है, गिन लिया जाता है, कौन जीता कौन हारा पूरा ब्यौरा दे दिया जाता है। लेकिन किसी भर्ती परीक्षा को साल भर के अंदर पूरा नहीं कर पाते। करोड़ों का वोट एक दिन में गिन लिया जाता है और भर्ती परीक्षाओं की कॉपियां जांचने में सालों गुजर जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई बड़े नेता का लड़का नहीं होता, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं होता, सब गरीब परिवार से आते हैं। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कब तक रैलियों में जाके झंडा लहराओगे? कभी अपने बारे में भी सोच लो। ये गुलामों की जिंदगी कब तक जियोगे? सवाल पूछना सीखो और अपने लिए जीना सीखो। सिर्फ सरकारों पर दोष मढ़ देने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, कोई फैसला नहीं होने वाला। जय हिंद।